हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। सो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ और एक नया मजेदार वीडियो जो कि सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है। सो वीडियो को अंत तक जरूर से देख लेना। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर वन से, और हमारी ट्रिक नंबर वन को करने के लिए आपको चाहिए नायक। पहले आप अच्छे से ट्रिक को देख लो, फिर मैं आपको खुद भी ये ट्रिक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखो मेरा जो फ्रेंड है कैसे यहाँ पर नाइफ लेके घूम रहा है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ये फनी लग रहा है। मेरा जो फ्रेंड है कैसे पर स्लो मोशन में भागे जा रहा, आप ध्यान से देख ही सकते हो। और अगर ये पीछे की ओर इस तरह से चलेगा फिर जो है ये और भी ज्यादा बढ़िया यहाँ पर दिखता है। बाकी ये ट्रिक बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही ज्यादा ईजी है। अब मैं आपको अच्छे से बता दूँ कि इस वाली ट्रिक को कैसे करना है। तो पहले आप अच्छे से ट्रिक को देख लो। सो इस वाली ट्रिक को करने के लिए पहले तो आपको चाहिए नाइफ। आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले तो नाइफ को हाथ में लेना है। तो इसको हाथ में लेने के बाद राइट वाला जो फायर बटन है इसको आपको पकड़ लेना है। और इसको पकड़ने के बाद बस आपको जस्ट को पकड़ना है और फिर आपको जो भी यहाँ पर देखेगा उसको वो वाला ट्रिक यहाँ पर दिखने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की। और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको चाहिए मैकलॉरन कार। इसको लेकर आपको ना बर्मुडा रिमास्टर्ड मैप में और यहाँ पर आपको ना कार्टू लिस्टिवा के पास। और फिर यहाँ पर ये जो कटी हुई लकड़ी है इसके पास आपको अपनी गाड़ी को सेट करना है, फिर यहाँ पर गाड़ी में एंटर करना है और गेट आउट कर देना है। वैसे मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, ससुरा इतनी लकड़ी काटी है तो काटी किससे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो छोड़ो उनको, जिससे भी काटी हो तो आप इसके अंदर आ सकते हो और यहाँ पर इजिली अपने रैंक को पुश कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। बाकी अंदर बैठ के आपको बाहर वाले एंड पे फायर नहीं करना है। आपको बहुत बार मैं आपको पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी ये कथा, तो आपको ये तो पता ही होगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की। और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको आना है मिल के इस वाले ब्रिज के पास। तो यहाँ पर देखो जिप लाइन जो है अच्छे से सलामत है। यहाँ पर देखो जीप पड़ी है और यहाँ पर ये ट्रक पड़ी है। तो सारी चीजें अभी जो है अच्छे से मतलब सलामत पड़ी है, सब कुछ नॉर्मल यहाँ पर दिख रहा है। बट अब देखने को मिलेगा आपको मैजिक। तो आपको सिंपली ऊपर की साइड आना है, जैसे कि मैं यहाँ पर ऊपर आ चुका हूँ। और ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, बस यहाँ पर स्कोप को खोलना है और देखना है अपनी जिप लाइन को। तो कुछ दिखा, ध्यान से देखो हमारी जो जिप लाइन है पूरी की पूरी मतलब यहाँ पर हवा में लटकी पड़ी है। हमारा जो ब्रिज है पूरा का पूरा इनविजिबल हो चुका है। और ट्रक और जीप को देखो, मतलब यहाँ पर इसका जो नीचे वाला वो ब्रिज था वो पूरा का पूरा गायब हो चुका है। ये गाड़ियां दोनों जो है अभी हवा में लटकी पड़ी है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिख रहा है। और जिप लाइन तो और भी ज्यादा बढ़िया से यहाँ पर हवा में लटक रही थी। सो इस तरह से आप इस वाली ट्रिक को देख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की ओर। हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको आना इस चरखे के पास। वैसे पता नहीं सही बोला मैंने या नहीं, तो इसके पास आपको आना है। फिर आपको इस तरह से पहले ऊपर चले जाना है। तो जैसे आप ऊपर चले जाओगे इसके बाद आपको बस इस तरीके से इस पे जंप करना है और यहाँ से और एक जंप करके आपको इसके ऊपर आ जाना है। सो इसके बाद आपको और एक जंप करना है और इसके ऊपर आ जाना है। फिर आपको इस साइड में आना है, टेंशन मतलब इतने ही जंप लेने थे। तो इसके बाद बस आपको यहाँ पर चलते जाना है और आ जाना है इस टायर के अंदर। और टायर के अंदर जैसे आप आ जाओगे आप जो है पूरे के पूरे हाइड होने वाले हो। यहाँ पर आपको कोई भी नहीं देख पाएगा, कोई भी नोटिस नहीं कर पाएगा। आप अगर यहाँ पर चुपचाप बैठोगे ना, कोई भी मतलब पूरा स्क्वाड आ जाए, 10 बंदे आ जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप इसके अंदर हो। तो यहाँ पर इसलिए इस तरह से कैंप कर सकते हो। बाकी मेरे फ्रेंड को देखो, मेरे जो फ्रेंड यहाँ पर बस उसका नाम दिख रहा है, वो खुद यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की। और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको जाना है लॉक रॉयल में। सो यहाँ पर आपको ना सिलेक्टेड बंडल में, सो यहाँ पर आप जैसे आ जाओगे यहाँ पर आपको इनक्यूबेटर पे और राइट वाली बंडल पे दोनों पे आपको ये एक साथ टैप कर देना है। तो जैसे आप दोनों पे एक साथ टैप करोगे यहाँ पर आपका क्या ग्लिच हो जाएगा आप देख ही सकते हो। और इसके बाद यहीं पर आपको इमोट पे टैप करना है और यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, मतलब दो दो कैरेक्टर एक साथ दिख रहे हैं, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिख रहा है। और इसके बाद यहाँ पर और एक ट्रिक आप कर सकते हो, सेम ट्रिक से आपको इस वाले बंडल पे और इनक्यूबेटर पे एक साथ टैप कर देना, फिर आपको ये दो दो बंडल एक साथ दिखने वाले, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिखता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की। और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको आना है डॉग के पास। तो डॉग के पास जैसे आप आ जाओगे अल्पाइन मैप में, पहले आपको सिंपली इस सीढ़ी से ऊपर चले जाना है। तो सीढ़ी से ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको चढ़ना है इसके ऊपर। और इसके ऊपर आने के बाद पहले आपको पूरा इस तरह से आगे आना है, जिसकी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और इसके बाद आपको यहाँ पर ग्लोवाल सेट करने, ध्यान से देखो कैसे मैंने यहाँ पर ग्लोवाल सेट किए हैं। और टेंशन मतलब जितने मैंने यहाँ पर तीन ग्लोवाल यूज किया, बस आपको तीन ही ग्लोवाल सेट करें, इससे आगे आपको एक भी ग्लोवाल यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ने वाला। तो जैसे आप तीन ग्लोवाल सेट कर लोगे आपको चढ़ना है इस तरह से इसके ऊपर, फिर आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको इसके ऊपर जाना है। थोड़ा सा ध्यान से जाना, यहाँ पर कभी क्या होता है आप नीचे गिर सकते हो। तो इसके ऊपर आने के बाद आपको इस तरह से धीरे धीरे स्कोप खोल के ऊपर आ जाना है। और ऊपर आने के बाद आपको इस पे जंप करके चढ़ जाना है। और इस पे चढ़ने के बाद अभी फाइनल स्टेप आपको आना है इस साइड में। यहाँ पर आपको सामने जो रस्सी टाइप का दिख रहा है, वैसे ये रस्सी है ना, तो छोड़ो जो भी है, इसके ऊपर आपको इस तरह से धीरे धीरे ऊपर चले जाना है।
तो जैसे आप ऊपर चले जाओगे, इसके बाद बस आपको इस तरह से चले जाना है थोड़ा सा और ऊपर, और जैसे आप इतना ऊपर आ जाओगे, अभी जो है बहुत ऊपर आ चुके, इससे ज़्यादा ऊपर मत जाना नहीं तो आप ऊपर ही निकल जाओगे। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, तो यहाँ पर कैंप कर सकते हो। बाकी नीचे जाने के लिए आपको सेम रास्ते का यूज़ करना है। अब चलते हैं नक्सली ट्रिक की, और हमारी नक्सली ट्रिक को करने के लिए आपको ना सोशल आइलैंड पे, तो यहाँ पर आपको ना सिंपली इस वाले डब्बे के पास, तो आपको इस तरह से इसके ऊपर चले जाना है। इसके ऊपर आने के बाद आपको स्केटबोर्ड को यूज करना है, एम रखना है आपको रिंग की ओर, और फिर आपको पहले स्प्रिंट पे टैप करना है। जैसे आपका आधा रास्ता क्रॉस हो जाए, फिर आपको जंप पे दो बार टैप कर देना है। और इसके बाद देखो, मैं आ चुका हूँ पूरा को पूरा रिंग के ऊपर, और ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर पूरा को पूरा हवा में लटका पड़ा हूँ, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखता है। और ये सिर्फ आपको नहीं दिखेगा, नीचे जितने भी एनिमीज रहेंगे, आपके फ्रेंड्स रहेंगे, सभी को ये दिखता है। और मेरी ट्रिक से इंस्पायर होकर देखो, यहाँ पर एक एनिमी भी ऊपर इसके चढ़ चुका था, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा फनी लगा मुझे। तो इस तरीके से आप इस वाली ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की ओर। तो हमारी इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपको ना है बर्फ में, विंटर में आपको आ जाना है, टेंशन मत लो, रियल वाले विंटर में नहीं, आपको एल्पाइन के विंटर में आना है, मतलब स्नोफॉल पे आना है। और इसके बाद आपको चले जाना है इस वाले हाउस के ऊपर, फिर आपको बाहर आ जाना है, और इस साइड में जैसे आप आ जाओगे, और ध्यान से यहाँ पर स्नो है तो फिसल सकते हो, टेंशन मत लो, नहीं फिसलोगे। तो इसके बाद आप जो है पूरे के पूरे इस वाले हाउस के ऊपर जा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर प्रोन करोगे, फिर आपको कोई भी नहीं देख पाएगा, इसलिए यहाँ पर आप जो है कैंप वगैरह कर सकते हो। और पीछे यहाँ पर पानी रहता है, तो पीछे से कोई भी आपको यहाँ पर नहीं देखने वाला। बाकी चाहे तो थोड़ा सा और ऊपर भी जा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और चाहे तो यहाँ पर भी इजिली अपने रैंक को पुश कर सकते हो, बट ज़्यादा से उसी साइड में है, तो अगर आपको कैंप करना है उसी साइड में बैठ जाना। बाकी अगर यहाँ पर एनिमीज भी आते हैं, फिर अगर आपको एनिमीज को किल करना है, फिर आपको इसी वाले साइड में आना है। तो यहाँ से जो आपको थोड़ा सा हाइट का भी एडवांटेज मिलेगा, जस्ट मैंने यहाँ पर एक एनिमी को किल कर दिया था, इस तरीके से आप भी जो एनिमीज को किल कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की, और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको ना फिर से अल्पाइन मैप में, और इस बार आपको ना बेस कैंप के पास ध्यान से लोकेशन देख सकते हो। तो सामने आपको ये जो डब्बा दिख रहा है, आपको इसके ऊपर चले जाना है, सॉरी इसके पास चले जाना है, फिर आपको इस तरह से एम करना है और अपने ग्रेनेड को यूज़ कर लेना है। तो जैसे आप ग्रेनेड को यूज़ करोगे, यहाँ पर आपका जो ग्रेनेड है आपको यहाँ पर अच्छे से फोड़ते हुए दिखेगा, बट आपको ये डैमेज बिल्कुल भी नहीं देगा। और इस तरह से आप जो जितनी बार चाहो उतनी बार इसको कर सकते हो, जितने ग्रेनेड चाहो उतना यूज़ यहाँ पर कर सकते हो। बाकी फ्रेंड को ये ट्रिक दिखाकर उसको जो है सरप्राइज कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की, और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको ना फिर से अल्पाइन मैप में, और इस बार आपको ना कैरोसेल के पास ध्यान से लोकेशन देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये जो ब्रिज दिख रहा है, आपको इस ब्रिज के ऊपर चले जाना है, और इस ब्रिज के ऊपर जाने के बाद आपको जाना है इस वाले टनल में, वैसे टनल है या क्या है। तो इसके अंदर जैसे आप आ जाओगे, यहाँ पर प्रोन करें, और यहाँ पर अंधेरा है तो आपको अच्छे से नींद भी आ जाएगी, प्लस यहाँ पर अच्छे से कैंप वगैरह भी कर सकते हो, बाहर से आपको कोई भी नहीं देख पाएगा। और अगर कोई भी हमारे बाहर एनिमी आता भी है, तो आप उसको इजीली किल भी कर सकते हो। बाकी ये तक था हमारा वीडियो, वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।